हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बहुत बेहतरीन शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, उसकी कुछ बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इस पर क्लिक करिएगा, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि आपको फ्री में डीमैट अकाउंट विद जीरो डिलीवरी चार्जेस दे रहा है। बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस है, एज वेल एज इनका जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत काफ़ी बेहतरीन है। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को यहाँ पर आप नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी स्टॉक मार्केट में स्टॉक को कैसे चुने और क्या क्या गलतियाँ होती है, वो एक आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आपको रिटर्न का प्रोफाइल दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जो ये ऐसी कंपनी होती है वो धीरे धीरे चलती है, आपको रिटर्न आज कल परसों में नहीं देते, ना ही एक साल पाँच दिन में देते हैं, ना ही दस दिन में देते हैं। आपको रिटर्न जो ये देते हैं, आपको रिटर्न देते हैं दस साल में, पाँच साल में। बट फिर भी आपको अगर मैं बात करूं तो एक साल में इस कंपनी ने 34% के रिटर्न दिया। अगर 34% के रिटर्न आपको मिलते हैं ना किसी, और आप 10 लाख रुपए लगाते हैं, तो इसका मतलब आप 30 साल में 100 करोड़ के मालिक होते हैं। तो एक स्टडी है, और आज के दिन में देखेंगे तो लगभग 12% की जंप देखी गई है, और 10 साल में देखिए लगभग 1100% के रिटर्न, 1100% 1100% के रिटर्न यहाँ पर 10 साल में यहाँ पर इस कंपनी ने दिया। तो काफ़ी अच्छा इनका यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। एज वेल एज हम देखें ये कंपनी, तो देखिए 52 वीक लो 1811 रुपये था, और 13 मार्च को 3484 रुपये का 52 वीक हाई था। ओके, और आज के दिन में डिलीवरीज देखें तो लगभग 19% की यहाँ पर डिलीवरीज उठाती हुई दिखाई दी है। प्रमोटर्स के पास बहुत बेहतरीन शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लगभग 74.25, और बाकी पब्लिक के पास है, और आगे हम इसे और स्टडी करेंगे। और हर साल कंपनी देखिए 1.5 रुपये का डिविडेंड देती आई है 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 में, और कोई भी शेयर इनका गिर भी नहीं है। तो हर चीज़ में कंपनी काफ़ी बेहतरीन हमें नज़र आ रही है। और अगर हम देखें कि कंपनी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी कौन सी है, तो कंपनी का नाम है जॉनसन कंट्रोल हिताची एयर कंडीशनिंग लिमिटेड इंडिया लिमिटेड। तो आपने हिताची का नाम जरूर सुना होगा। ओके, हिताची करती क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट है, आप वीडियो में बने रहिएगा, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा। तो देखिए इसमें वन डे देखिए 11% की जंप, 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखिए पॉजिटिव, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए पॉजिटिव, ईयर टिल दिखाता हूँ पहले। देखिए ये यहाँ पर चल रहा था और इसे ऊपर ही जाना था, बट मार्केट क्रैश हुई तो ये देखिए नीचे आ गया, और उसी कंसोलिडेशन फेज पे ये अभी तक चलता आ रहा है। बट ये अब जंप करने को तैयार है, क्यों जंप करने को तैयार है वो भी बताऊंगा। और देखिए जंप जब अगर करी तो देखिए ये लेवल तो 52 वीक हाई को तो इसने तोड़ना ही है, और अभी भी 21% की देखिए जंप यहाँ पर देखी जा सकती है। और अगर मैक्सिमम की बात करूँ मैं तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, कभी 47 रुपये, 16 रुपये का ये शेयर होता था, और आज की डेट में देखिए क्या इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। अगर हम यहाँ पर से अगर यहाँ पर देखें भी ना तो लगभग 6600% के रिटर्न्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। और देखिए ये गिरावट हुई है, ओके, ये सभी मार्केट में गिरे हैं, बट ये शेयर है जो अभी तक भागा नहीं है, बाकी सब शेयर मोस्टली भाग चुके हैं। तो हमें ऐसे ही शेयर पकड़ने हैं जो अभी 52 वीक हाई उनका क्रॉस नहीं हुआ है, ताकि हमें 52 वीक हाई के पैसे तो कम से कम मिले ही। तो ये सब इनका है, और क्यों ये आगे बढ़ने वाली है, देखिए जिस कंपनी, ये कंपनी का हिताची, तो हिताची कौन से प्रोडक्ट बनाती है, तो देखिए हिताची जो प्रोडक्ट बनाती है कूलिंग, रेफ्रिजरेटर एज वेल एज एयर प्योरीफाई से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो देखिए अभी ऑफिस बंद हो गए थे, ओके, तो ऑफिस बंद हो गए थे तो क्या हुआ था कि ऑफिस में कोई एयर कंडीशन यूज़ नहीं कर रहा, एज वेल एज कोई अभी बट जैसे जैसे ऑफिस खुलेंगे, जैसे जैसे सब चीज़ ओपन होने वाली है, ओके, और जिस लगता है कि 3 से 4 महीने में सब चीज़ ओपन होना शुरू हो जाएगी, तो दोबारा से डिमांड एसी की आ जाएगी, और एसी की डिमांड आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपनी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है, तो यहाँ पर इनकी बिक्री शुरू हो जाएगी, जो कि अभी हमें नहीं दिखाई दी थी। और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट्स ये अपना 52 वीक हाई को तो टच करेगी करेगा, बाकी ऊपर भी ये जा सकता है। स्मॉल कैप कंपनी है तो भाग भी और मिड कैप में बनने की पूरी हिम्मत रखती है, एज वेल एज रेफ्रिजरेटर तो हर घर में यूज़ होता ही है, और एयर प्योरीफायर, देखिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे जिस हिसाब से भारत में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ओके, नॉर्थ इंडिया में आपको आए दिन सुनाई देता है और डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के सुनाई देता है, तो देखिए आगे अभी ये नेसेसिटी नहीं है, बट आगे चल के ये ज़रूरी हो जाएगा, और जैसे जैसे ये ज़रूरी हो जाएगा ना तो हर घर में एक एयर प्योरीफायर आपको दिखाई देगा,
जो लगा हुआ होगा। और फिर इस कंपनी, ये सबसे अच्छी हिटाची कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इस कंपनी में काफ़ी अच्छी जंप भी देखी जा सकती है। तो ये प्रोडक्ट्स के मामले में काफ़ी अच्छा है, तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। और जैसे जैसे बिजनेस ओपन होगा और जैसे जैसे गर्मियाँ आनी शुरू होगी, मैं एक दो दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्मियाँ, क्योंकि गर्मी आएगी तो एसी देखिए सब यूज़ करते ही है, मोस्टली पूरे दुनिया, पूरी इंडिया में ही एसी का यूज़ होता है, तो इसलिए इस कंपनी को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कंपनी ने आपको 3 बार देखिए यहाँ पर राइट इशू भी लाया है, 1992 में, 2003 में एंड 13 में। और एज वेल एज अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, भागती भी तेज है, गिरती भी तेज है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ओके, करंट वैल्यू इतना चल रहा है, बुक वैल्यू 238 है, और किस काम में काम करती है, तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, चिलर एंड WRF। तो चिलर मतलब देखिए बड़ी बड़ी होटल्स वगैरह में चिलर्स वगैरह मिलते ही है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ फ्रीज करेंगे, कहाँ रखेंगे, तो ये कंपनी उस प्रोडक्ट्स को बनाती है। और यहाँ पर देखिए एक बार हम देख ले क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। 2017 में दिसंबर में 377 हुआ करते थे, जो कि बढ़ते बढ़ते 2000 मार्च 2020 तक देखिए 433 करोड़ रुपीस के हुए। बट जैसे कि आपको पता ही है, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया, तो बिजनेस ऑब्वियसली बात है सबके बंद हुए, तो यहाँ पर गिरावट हमें साफ दिखाई दे रही है। तो एक्सपेंस भी उसी हिसाब से हुए, और नेट प्रॉफिट में भी देखिए, जहाँ पॉजिटिव नेट प्रॉफिट चल रहा था वहाँ पर हमें नेगेटिविटी यहाँ पर दिखाई दी है। बट आगे चल के जैसे जैसे बिजनेस ओपन होगा तो ये दोबारा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, और आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलना शुरू हो जाएंगे। सेल्स की बात करें, अगर हम ईयरली बेसिस पर देखिए, 2009 में मार्च में 470 करोड़ रुपये के सेल्स थे, जो कि यहाँ पर मार्च 2020 में देखे तो लगभग 2197 करोड़ के, और अभी तक अगर हम बात करें 12 महीने के अंदर अंदर तो लगभग 1449 करोड़ रुपए के यहाँ पर हमें सेल्स होती हुई दिखाई दी है। और अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी का लगातार देखिए 21 करोड़ से लगभग 100 करोड़ तक ही, 86 करोड़ तक यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दिया है। बट लॉकडाउन की वजह से इनके प्रोडक्ट्स वगैरह पे काफ़ी बिक्री नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ऑफिसेज बंद थे, तो इसलिए देखिए यहाँ पर माइनस में आपको यहाँ पर रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। बट आगे चल के ये दोबारा पॉजिटिव होंगे, जैसे जैसे पॉजिटिव होंगे, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बिकेंगे, जैसे जैसे बिजनेस चलेगा, वैसे वैसे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और जैसे जैसे उनके शेयर का प्राइस बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट होता हुआ हमें नजर आएगा। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, देखिए 2009 में 82 करोड़ रुपए के रिजर्व्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते अभी कंपनी के पास 619 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग, ऑब्वियसली बात है, बोरोइंग कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो बोरोइंग लेके ही काम करती है। मार्च 2018 तक 13 करोड़ का बोरोइंग था, जो कि उन्होंने घटाया था, बट अभी यहाँ पर बोरोइंग लेते हुए मिला है, तो अगर बोरोइंग बढ़ी है तो आपको यहाँ पर, अगर हम बात करें एसेट की, तो देखिए यहाँ पर इसी दौरान में एसेट भी इनकी बढ़ती हुई नज़र आई है, 232 करोड़ से लगभग 400 और 414 करोड़ रुपए की यहाँ पर इनकी फिक्स एसेट बढ़ती हुई हमें नज़र आई है। तो आपको ये कंपनी पैसे खर्च कर रही है अपनी कंपनी पे, तो आपको बताना चाहता हूँ कि आगे चल के कंपनी अपने बिजनेस में फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए एक्सटेंड कर रही है अपने बिजनेस को, और ये डेफिनेटली आगे चल के आपको अच्छा रिटर्न देती हुई नज़र आएगी, एसेट भी आपको यहाँ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, लगभग 74.25% की प्रोमोटर्स के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर भी 0.96 है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी लगभग 16% की हिस्सेदारी है, और अगर पब्लिक की बात करें तो 8.86। देखिए ऐसी जगह पर पब्लिक नहीं दिखाई देती जहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, वहाँ पर देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर और प्रोमोटर्स ही दिखाई देते हैं। प्रमोटर्स अपने शेयर बल्कि बेचना नहीं चाहते, जितने हैं उतने ही रखते हैं। तो देखिए इस चीज़ को डिसाइड करते हुए, इस चीज़ को देखते हुए आप ध्यान रखिए इस शेयर की तरफ, काफ़ी बेहतरीन ये शेयर है, हिटाची जॉनसन के नाम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, इनकी पेरेंट कंपनी इंडिया हल्ड को लिमिटेड है, तो आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल को बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार, जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।